हेलो एंड नमस्कार। तो ये हमारा पार्ट टू है। अभी तक पिछले पार्ट वन में हमने नॉर्म तक की बातें कर रही थी, नॉर्म इंड्यूस्ड बाय इनर प्रोडक्ट, राइट। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। तो आगे के टॉपिक्स हमारे पास क्या है? ऑर्थोगोनैलिटी एंड लीनियर इंडिपेंडेंस, ठीक है। ऑर्थोगोनैलिटी क्या होता है एंड लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होता है, ठीक है। तो गिवेन टू वैक्टर्स यू एंड वी, है ना, यू एंड वी आर ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। यू एंड वी दो वैक्टर्स हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस के, आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल। हम दोनों वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल कब कहेंगे? जब यू डॉट यू वी का इनर प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा जीरो आएगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट जीरो आता है, दैट इज नोन एज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल कहने का एक और मतलब क्या है कि दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ओके। ऑर्थोगोनैलिटी इज नथिंग बट परपेंडिकुलर मैपिंग, ठीक है, कि हम परपेंडिकुलर बता रहे हैं कि दोनों परपेंडिकुलर है या नहीं आपस में, ठीक है। तो यू डॉट वी जब जीरो हो तो हम कहेंगे क्या है, दोनों वैक्टर आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल है, ठीक है। वो इनर प्रोडक्ट स्पेस की वैक्टर्स की बात करें, ठीक है। कंसिडर इनर प्रोडक्ट स्पेस आर टू विथ इनर प्रोडक्ट, ठीक है। इनर प्रोडक्ट स्पेस है आर टू जो किसके साथ है, इनर प्रोडक्ट के साथ है। तो जो वैक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट के साथ होता है वो होता है इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो मैं एक दे रखा है इनर प्रोडक्ट डिफाइंड कैसे है, यू और वी का इनर प्रोडक्ट इज बेसिकली यू वन वी वन माइनस यू वन वी टू प्लस यू टू वी वन और प्लस में क्या है, टू इंटू यू टू वी टू। तो ये बेसिकली मैंने कहा ना कि क्या है, इनर प्रोडक्ट इज नथिंग बट अ फंक्शन, जस्ट लाइक अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इनर प्रोडक्ट भी क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। तो इस बार जो इनर प्रोडक्ट है वो ऐसे डिफाइंड है, राइट, इस वे में डिफाइंड है, ठीक है, ये पर्टिकुलर वे है डिफाइंड, ठीक है। तो वेयर यू इक्वल टू यू वन ई टू एंड वी इक्वल टू वी वन वी टू, ये दो वैक्टर्स हैं, ठीक है, आर वैक्टर्स ऑफ आर टू, ठीक है। तो लेट्स चेक कि 1, 1 एंड 1, 0 आपस में ऑर्थोगोनल है या नहीं, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, जो बेसिकली हम इनर प्रोडक्ट निकालेंगे जो हमें दिया हुआ डिफाइन। तो पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर दोनों का जब इनर प्रोडक्ट निकालेंगे तो यू वन वी वन हमें पता है, यू वन ये हो गया, यू टू ये हो गया, वी वन ये हो गया, वी टू ये हो गया। तो इसको इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट करेंगे तो हमें वैल्यू आएगी जीरो, ओके। तो हम कहेंगे क्या है, ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो हमें अब ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, हमने ऑर्थोगोनल समझ लिया कि दोनों को जब इनर प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या है, जीरो होएगा, तो वो ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर इज एन इनर ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी इज सेट ऑफ वेक्टर्स, क्या है, सेट ऑफ वेक्टर्स है हुज एलिमेंट्स आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, है ना, कि जिसके एलिमेंट्स है आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल। यानी कि ए बी सी अगर तीन वेक्टर है तो ए बी के ऑर्थोगोनल होगा, बी सी के ऑर्थोगोनल होगा, ए सी के ऑर्थोगोनल, दैट इज द म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, ठीक है। एक्सप्लिसिटली अगर कहा जाए तो एस इक्वल टू लेट्स से ये वी वन वी टू अप टू वी एन का एक सेट है जो वी से है, देन एस इज ऑर्थोगोनल टू ईच अदर इफ वी ऑफ आई कॉमा वी ऑफ जे इक्वल टू जीरो। यानी कोई भी दो उठा लो आई जे, यहाँ आई जे इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो और आई जे कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 1, 2, 3 से एन तक, ठीक है। तो कोई भी दो वेक्टर उठा लो, उन दोनों का इनर प्रोडक्ट निकालो, इनर प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है तो कहेंगे वो पूरा सेट, है ना, पूरा सेट क्या है, ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वैक्टर है, ऑर्थोगोनल सेट, ओके। कंसिडर द सेट एस, ये एक सेट है हमारे पास एस जिसके अंदर तीन एलिमेंट्स है, ठीक है। तो सेट एस इज ऑर्थोगोनल इन इनर प्रोडक्ट स्पेस आर थ्री विथ रिस्पेक्ट टू डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या है, ये बेसिकली ऑर्थोगोनल है। तो इन दोनों का जैसे कोई भी दो एलिमेंट का लिखा है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, तीनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जैसे यहाँ पे जीरो आया है, ये जीरो आया है, यहाँ पे भी क्या आया है, जीरो आया है, तीनों का आपस में म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है। तो हम कहेंगे कि क्या है, ये सेट पर्टिकुलर क्या है, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स है, ठीक है, समझ में आया। तो लेट वी वन वी टू तो अप टू वी एन वी के बी एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर इन द इनर प्रोडक्ट स्पेस वी, देन वी वन टू वी टू आर ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अगर वो सारा सेट क्या है, ऑर्थोगोनल है, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट भी होगा, ठीक है, बात से समझ में आती है। अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल बेसिस की, कि ऑर्थोगोनल बेसिस क्या होता है, ठीक है। लेट वी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है, वी क्या है, इनर स्पेस है, तो ए बेसिस कंसिस्टिंग ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वैक्टर इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल बेसिस। तो ऑर्थोगोनल बेसिस क्या होगा, वो बेसिस जो क्या है, आपस में जो बेसिकली म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है आपस में, यानी कि ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वैक्टर्स भी है, ठीक है। वो बेसिस जो ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वैक्टर्स है, दैट इज विल बी ऑर्थोगोनल बेसिस, ठीक है। वो बेसिस जो ऑर्थोगोनल सेट ऑफ बेस वैक्टर्स है वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल बेसिस, ठीक है। तो कह रहा है इफ डायमेंशन ऑफ वी, है ना, डायमेंशन वी एन है, देन ऑर्थोगोनल बेसिस इज नथिंग बट ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर। यानी कि जो वी है
वी जो हमारा है उसका डायमेंशन ही बेसिकली क्या है, एन है, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कार्डिनलिटी, ठीक है। डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी है तो हम कहेंगे क्या वो ऑर्थोगोनल सेट ऑफ एन वेक्टर्स, ठीक है। लेट्स सी एग्जांपल्स ऑफ सम ऑर्थोगोनल बेसिस, कुछ ऑर्थोगोनल बेसिस के एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ इनर प्रोडक्ट आर एन विथ रिस्पेक्ट टू डॉट प्रोडक्ट इज अ ऑर्थोगोनल बेसिस, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बेसिस जो होता है इनर प्रोडक्ट स्पेस आर एन का विथ रिस्पेक्ट टू डॉट प्रोडक्ट वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल बेसिस होगा, ठीक है। दूसरा, जस्ट नाउ वी हैव सीन दिस सेट, है ना, हमने एक सेट देखा अभी ऊपर जिसमें तीनों का ऑर्थोगोनलिटी निकाला हमने, डॉट प्रोडक्ट निकाला था जीरो जीरो आसार, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल सेट सबसेट ऑफ आर थ्री है विथ रिस्पेक्ट टू डॉट प्रोडक्ट, है ना, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट तीनों का था जीरो आया था, राइट। तो इसका अगर डायमेंशन भी चेक करें तो क्या है, थ्री है, ठीक है। तो दिस डायमेंशन ऑफ आर थ्री, डायमेंशन ऑफ आर थ्री भी थ्री है और इसका भी थ्री है, ठीक है। यानी डायमेंशन ऑफ आर थ्री इक्वल किसके है, थ्री एन के, राइट, एन इज द कार्डिनलिटी, राइट। सो द सेट एस इज ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ इनर प्रोडक्ट आर थ्री, तो ये सेट क्या है, ऑर्थोगोनल बेसिस है इनर प्रोडक्ट आर थ्री, ठीक है। तीसरी बात, वी हैव सीन वेक्टर्स वन वन एंड वन जीरो, ऊपर देखा था हमने, ठीक है, आर ऑर्थोगोनल्स ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस आर टू विथ इनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन था उसके ऊपर हमने ये चेक करा था कि इनर प्रोडक्ट है या नहीं, ठीक है, जो कि ये था इनर प्रोडक्ट, याद हो तो, है ना। तो वेयर यू इज यू वन यू टू एंड वी इज वी वन वी टू, तो ये जो सेट है ये भी क्या है, ऑर्थोगोनल है, ठीक है, क्योंकि इसका बेसिस और नंबर ऑफ कार्डिनलिटी सेम, ठीक। अब बात करते हैं ऑर्थो नॉर्मल सेट, अभी तक हमने करा ऑर्थोगोनल, ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्थो नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल हमें समझ में आता है, नॉर्मल क्या होता है, किसी का परपेंडिकुलर, राइट, तो उन सेट्स के परपेंडिकुलर वाले, ठीक है। ऑर्थो नॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस वी इज ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, सच दैट द नॉर्म ऑफ ईच वेक्टर इज वन, यानी ये भी क्या है, ये ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स ही हैं, बस हर एक का नॉर्म क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इनर प्रोडक्ट तो जीरो होगा ही लेकिन नॉर्म भी क्या होगा, वन होगा, ठीक है। एक्सप्लिसिटली कहा जाए तो एस हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, एंड एस इज ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर, ठीक है, इफ ये होगा, ये कंडीशन होगा तो ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है। एंड अगर नॉर्म भी क्या है, इक्वल टू वन है, तो वो कहेंगे ऑर्थो नॉर्मल सेट, ठीक है। ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स तभी है जब उसका क्या है, वो ऑर्थोगोनल है एंड उसका नॉर्म क्या है, वन है, ठीक है, किसी भी दो एलिमेंट्स का, ओके। अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल सेट हो गया तो ऑर्थोनॉर्मल सेट हो गया तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस भी होगा, क्योंकि हर बार जब हम सेट निकाले तो उसका बेसिस भी आता है, क्योंकि वो स्पैन करता है, राइट। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस इज ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ बेसिस, ठीक है। ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स जो बेसिस बना रहा है वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हो, सीधी सी बातचीत। एन नॉर्मल बेसिस इज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस व्हेन वेयर द नॉर्म ऑफ ईच वेक्टर इज वन, ठीक है। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या होगा, ऑर्थोगोनल बेसिस होगा जब क्या होगा, उसका हर एक वेक्टर का जो नॉर्म होगा वो होगा, ठीक है। नोट, एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस इज मैक्सिमल ऑर्थोनॉर्मल सेट इन द इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जो होता है वो मैक्सिमल ऑर्थोनॉर्मल सेट भी होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर एन विथ रिस्पेक्ट टू डॉट प्रोडक्ट फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट के साथ जो स्टैंडर्ड बेसिस आर एन का होता है वो क्या बनाता है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाता है, ठीक है। एग्जाम्पल कह रहे हैं, तो कंसिडर आर थ्री विच यूजुअल इनर प्रोडक्ट दैट इज द डॉट प्रोडक्ट, यूजुअल इनर प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। एंड द सेट एस, सेट एक एस दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है ये पूरा, है ना, ये पूरा क्या है, सेट है, ओके। देन एस इज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ आर थ्री, ठीक है, और क्या है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ आर थ्री होगा, ठीक है। तो इसका अगर नॉर्म निकाला जाए तो देख सकते हैं कि क्या है, वन आ रहा है। सिमिलरली अदर का भी क्या है, नॉर्म वन है, ठीक है। तो हम कहेंगे क्या है, ये ऑर्थोनॉर्मल, राइट। नाउ लेट्स चेक ऑर्थोगोनलिटी, तो अब क्या, हमने ऑर्थोनॉर्मल, हमने नॉर्मैलिटी सब भी चेक कर ली, ऑर्थोगोनलिटी भी चेक कर लेते हैं, तो ऑर्थोगोनलिटी भी हो रहा है पॉसिबल, है ना। तो इसका भी जीरो आ रहा है, इसका भी जीरो आएगा, इसका भी जीरो आएगा, ठीक है। तो इन सब वेक्टर क्या है, ऑर्थोगोनल भी है, ऑर्थो और नॉर्म भी इसका वन है, ठीक है। तो हम कहेंगे क्या है, ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और इनका डायमेंशन आर थ्री का भी क्या है, थ्री है, ठीक है। तो ये भी चीज, अब ऑर्थोनॉर्मल सेट कैसे हम ऑब्टेन करेंगे, ऑर्थोगोनल सेट से, ऑर्थोगोनल सेट से ऑर्थोनॉर्मल सेट हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल कौन सा होता है, जिसका इनर प्रोडक्ट जीरो होता है, ठीक है, और ऑर्थोनॉर्मल क्या होता है, जिसका इनर प्रोडक्ट जीरो होता है साथ में नॉर्म भी वन होता है, ठीक है। तो इफ वाई इज अ ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, वाई क्या है, एक ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर है, वी कैन ऑब्टेन ऑर्थो, मतलब वाई ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर है, ठीक है, ठीक है। तो वी कैन ऑब्टेन ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर भी From y by dividing each vector by its norm, तो हर एक vector को
ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स के हर एक वेक्टर को उसके नॉर्म से अगर हम डिवाइड कर दें तो जो वेक्टर स्पेस आएगा, जो बेसिस आएगा, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। ठीक है, सपोज एस इज दिस वेक्टर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस वी, एंड लेट वी बी ए वेक्टर फ्रॉम वेक्टर स्पेस। ठीक है, वी एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, वी एक वेक्टर स्पेस है, उसका एक वेक्टर लिया हमने वी, और एक एस हमारे पास जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। ठीक है, तो हम इस वी को लिख सकते हैं ऐसे, v इक्वल टू सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू प्लस अप टू सी एन वी एन। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, जहां जो सी ए है ना, ये सी पर्टिकुलर सी वन सी टू सी थ्री, ये बेसिकली कहां से आएगा, तो ये बेसिकली आएगा यहां से, जब हम v का vi के साथ इनर प्रोडक्ट निकालेंगे, तो जो एलिमेंट है, क्योंकि इनर प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमेशा स्केलर आता है, राइट, तो जो स्केलर आएगा ना हमेशा vi को जब हम चेंज करते रहेंगे v के साथ, उसका इनर प्रोडक्ट निकालेंगे, तो बेसिकली क्या आएगा, वो जो c आएगा वही बेसिकली ये c का वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा दिया हुआ था, मैंने उसको बता दिया। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे क्या होता है, तो प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन u इज गिवन बाय u डॉट v अपॉन v का नॉर्म इनटू में v वेक्टर। ठीक है, u डॉट v अपॉन में v का नॉर्म इनटू में v वेक्टर। ठीक है, ये u डॉट v इज डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो लेट्स से v इक्वल्स टू r2, ठीक है, एंड w बी द लाइन y इक्वल्स टू x, दो चीजें हैं, v एक वेक्टर है r2 से एंड क्या है w एक लाइन है। ठीक है, द प्रोजेक्शन ऑफ 1 2 ऑन w विल बी, पूछ रहा है प्रोजेक्शन ऑफ दिस पॉइंट ऑन w क्या होगा, तो लेट्स से ये लाइन दिया हो तो हम इस पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से टेक एनी पॉइंट सैटिस्फाइंग लाइन, लेट्स से 1 1 ले लिया हमने। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ 1 2 ऑन w क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ 1 2 ऑन w इज बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ 1 2 1 इज दिस। ठीक है, तो ये क्या होगा बेसिकली u डॉट v, u v है ना, u डॉट v इनटू में अपॉन में v का नॉर्म इनटू में v। ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो ये आएगा, ये बेसिकली हमारा प्रोजेक्शन होगा दिस लाइन पे, है ना, इस v का। ओके, तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन सबस्पेस। मैंने वेक्टर ऑन वेक्टर देखा, अब वेक्टर ऑन सबस्पेस क्या होगा, तो वेक्टर ऑन सबस्पेस होगा प्रोजेक्शन, लेट v बी इनर प्रोडक्ट स्पेस वेयर v बिलोंग्स टू v एंड w बिलोंग्स टू v, है ना, v क्या कर रहा है, यहां से बिलोंग कर रहा है, w क्या है, सबस्पेस है। ठीक है, वेक्टर स्पेस का सबस्पेस है। देन प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन w दैट इज द सबस्पेस पे, जो प्रोजेक्शन v का होगा वो क्या डिनोटेड बाय होगा, प्रोजेक्शन ऑफ w ऑन v, है ना, ये प्रोजेक्शन डिनोट करेंगे। एंड कंप्यूट कैसे करेंगे, सबसे पहले ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड करेंगे हम w का। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड करेंगे w का, उसका भी मेथड होता है ग्राम श्मिट मेथड, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसे हम बेसिस निकालेंगे ऑर्थोनॉर्मल, उसके बाद हम प्रोजेक्शन डिफाइन क्या होगा, समेशन ऑफ n i इक्वल्स टू 1 से v कॉमा vi इनटू में v, तो जो भी v है, ये वाला v जो है प्रोजेक्शन, ये वाला v है, इसका vi के साथ जो भी इसके पर्टिकुलर वेक्टर्स के साथ उसका इनर प्रोडक्ट और इनटू में v। ठीक है, तो वो जो आएगा बेसिकली वो प्रोजेक्शन कहलाएगा। नोट दैट vi इज ऑलवेज 1 दैट, ठीक है, एंड हेंस वी आर नॉट डिवाइडिंग इट बाय n ऑलरेडी, क्योंकि नॉर्थ ऑर्थोनॉर्मल है, ऑर्थोनॉर्मल है तो सबका क्या है ऑलरेडी वहां पे नॉर्म 1 होगा, राइट, तो हमें कोई भी जरूरत नहीं है कि इसको डिवाइड करूं मैं नॉर्म से। ठीक है, और देखते जैसे लेट v इक्वल्स टू r3 एंड w इक्वल्स टू x y z, जहां x प्लस y इक्वल्स टू 0, एक सबस्पेस दिया है, एक वेक्टर दिया है। ठीक है, क्लियरली दिस वन इज द बेसिस ऑफ w, है ना, ये है इसका बेसिस जो है, ये एक बेसिस है w का। ठीक है, इसको हम निकाल रहे हैं तो ये बेसिकली क्या है, हम देख सकते हैं कि w का क्या है, बेसिस है। ऑल्सो दिस इज ऑर्थोगोनल, ये ऑर्थोगोनल है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे 0 आएगा। ठीक है, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू ऑर्थोनॉर्मल बाय डिवाइडिंग बाय देयर नॉर्म, तो इनको बेसिकली इसका नॉर्म निकालेंगे इससे डिवाइड करेंगे, इसका नॉर्म निकालेंगे इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमें जो आएगा वो बेसिकली क्या आएगा, ऑर्थोनॉर्मल। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल हो जाएगा, राइट। नाउ व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ 213, 213 का प्रोजेक्शन क्या हो, और ये आएगा 0 है, ये 0 है। ओके, तो क्या होगा प्रोजेक्शन 213 का इस पे, है ना, तो प्रोजेक्शन ऑफ w और 213, w हमारी ये है ऑर्थोनॉर्मल है ना, ऑर्थोनॉर्मल हमने निकाल लिया, तो अब w आ गया, तो w के बाद क्या करेंगे हम प्रोजेक्शन निकालना है, तो प्रोजेक्शन ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू दिस v इज बेसिकली u डॉट v, है ना, u डॉट v, तो u है हमारे पास, v है हमारे पास वहां पे, तो v डॉट vi, vi में पहला v1, ये क्या है v1 या कह लो या w1 कह लो, इसको कह लो w2, तो v का w1 के साथ और फिर v का w2 के साथ, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ w v कॉमा vi, है ना, तो उसका हम निकालेंगे, दोनों को सम करेंगे, क्योंकि समेशन था तो दोनों को सम करेंगे, तो ये आएगा, तो ये जो हमारा ये ना, ये जो हमारा है ये प्रोजेक्शन है
ऑन दिस स्पेस स्पेस सब स्पेस। तो इस वी का इस स्पेस से सबमिशन जो प्रोजेक्शन है वो ऐसा निकलता है। ठीक है, प्रोजेक्शन एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब प्रोजेक्शन ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरह कैसे लिखेंगे, तो लेट से वी एक इनर प्रोडक्ट का स्पेस है, डब्ल्यू एक सब स्पेस है, देन टी ट्रांसफॉर्मेशन वी से वी डिफाइंड कैसे, टी ऑफ वी इक्वल्स टू प्रोजेक्शन ऑफ वी ऑन प्रोजेक्शन ऑफ डब्ल्यू ऑन वी फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी। ठीक है, तो ये जो हमारा है ना, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, हम लिखेंगे बेसिकली प्रोजेक्शन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब जो हमारा मेन चीज है, ग्राम स्मिथ ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन टॉपिक है हमारे पास, और इसे एक क्वेश्चन पक्का 100% बनेगा, तो यू कांट अवॉइड दिस टॉपिक। ठीक है, इट कन्वर्ट एनी बेसिस इनटू ऑर्थोनॉर्मल वन। तो कोई भी बेसिस ले लो, चाहे वो ऑर्थोगोनल हो या नहीं हो, उसको ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, ऑर्थोनॉर्मल। ठीक है, ग्राम स्मिथ प्रोसेस का यूज ही इसीलिए होता है कि हम कोई भी वेक्टर बेसिस को ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो कंसीडर बेसिस यू वन यू टू यू थ्री जो कि ये दिया हुआ है। ठीक है, मैं इसको पूरे एग्जांपल से ही समझाऊंगा। तो एक यू वन यू टू यू थ्री एक बेसिस है जो ये है। ठीक है, विथ फॉर आर थ्री विथ यूजुअल इनर प्रोडक्ट। ठीक है, इनर प्रोडक्ट नोट दैट दिस इज नॉट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ठीक है, ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस नहीं है क्योंकि इनका इनर प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट निकाला तो जीरो नहीं आया। ठीक है, थ्री आया, और ना ही ये ऑर्थोगोनल भी है, ऑर्थोगोनल भी नहीं है, ऑर्थोनॉर्मल तो है ही नहीं, ऑर्थोगोनल भी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट वी कन्वर्ट द बेसिस इनटू ऑर्थोगोनल। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, ऑर्थोगोनल में कन्वर्ट करेंगे, ऑर्थोगोनल में कन्वर्ट करने के बाद उसको नॉर्म से जब डिवाइड करेंगे तो ऑर्थोनॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से वी वन, तो वी वन इक्वल्स टू क्या होगा, यू वन होगा। ठीक है, तो यू वन बेसिकली क्या है, पहला यू वन है ना, तो हमारा जो वी वन होगा पहला जो वैक्टर होगा वो बेसिकली यू वन होगा। ठीक है, अब दूसरा वैक्टर जो होगा बेसिकली क्या होगा, यू टू माइनस प्रोजेक्शन ऑफ वी वन ऑन वी टू यू टू। ठीक है, तो वी टू जो लिखेंगे वो बेसिकली क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ यू टू ऑन माइनस मतलब यू टू माइनस प्रोजेक्शन ऑफ वी वन ऑन यू टू। ठीक है, तो इसके ऐसे करके हम जब निकालेंगे तो प्रोजेक्शन ऑफ वी वन ऑन यू टू क्या होगा, बेसिकली यू डॉट वी अपॉन वी का इनर प्रोडक्ट और नॉर्म जो बोलते हैं। ठीक है, थीके? और साथ में वी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये जब निकालेंगे हम, ठीक है, तो हमारे पास क्या लिखे, अच्छा ये नॉर्म है, ओके, दिस इज नथिंग बट नॉर्म ऑफ वन टू टू। ठीक है, अगर देखा जाए तो मैंने इसको ऐसे लिखा है, बट ये दिस इज नॉर्म प्लस स्क्वायर। ओके, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज हो गया। ठीक है, ये निकालेंगे। ओके, तो जब ये करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये आएगा। ठीक है, तो हमारा वी टू आ गया। ठीक है, एट दिस स्टेज वी वन और वी टू का अगर हम ऑर्थोगोनैलिटी चेक करें तो वो है। ठीक है, जीरो आएगा इनर प्रोडक्ट। ठीक है, सेम वी थ्री निकालने के लिए क्या करेंगे, वी थ्री इक्वल टू यू थ्री माइनस पी प्रोजेक्शन ऑफ वी वन ऑन यू थ्री माइनस प्रोजेक्शन ऑफ वी टू ऑन यू थ्री, ये करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा वी थ्री के लिए, ये हमारा फॉर्मूला होगा यू थ्री यू टू के लिए, वी टू के लिए, और हमारा वी वन ये निकलेगा। ठीक है, तो तीनों हमारे पास निकल गया, राइट, तीनों आ गया है ना, तीनों आ गया। तो ये जो बेसिस बना ये बेसिकली क्या होगा, मेरा ऑर्थोनॉर्मल। ठीक है, तो ये सेट, ये वेक्टर और ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये तीनों साथ में मिलकर जो बेसिस बनाएगा वो बेसिकली क्या होगा, मेरा ऑर्थोनॉर्मल। ठीक है, तो वी वन वी टू वी थ्री का सेट ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल। ठीक है, अब जैसे ये ऑर्थोगोनल हुआ, ठीक है, तो इसको अगर हम नॉर्म से डिवाइड कर दे तो ऑर्थोनॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ऑर्थोगोनल से ऑर्थोनॉर्मल निकालना तो ईजी है, यू नो दैट। अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन की। ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, लेट वी बी इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड टी इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी से वी, वी से वी टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। टी को ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे कब, जब टी ऑफ वी कॉमा टी ऑफ डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो इक्वल आएगा जो कि वी और डब्ल्यू के इनर प्रोडक्ट के। ठीक है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन में जो हम फीड करते हैं टी ऑफ वी से डब्ल्यू के लिए, ठीक है, तो वी से वी के लिए, ठीक है, तो टी ऑफ, अगर यहाँ पे वी डालेंगे तो टी ऑफ वी आएगा, और डब्ल्यू डालेंगे तो टी ऑफ डब्ल्यू आएगा। तो इन दोनों का जो आउटपुट आएगा, उन दोनों का जब हम क्या करेंगे, इनर प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, तो वो सेम आएगा जो कि हमारे इनपुट का इनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या है, वो ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम्पल दे रखा है, कंसीडर आर टू बी इनर प्रोडक्ट स्पेस विद डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ये दे रखा है, और ट्रांसफॉर्मेशन का रूल ये है, ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई अपन रूट टू। ठीक है, सो दैट टी इज ऑर्थोगोनल, लीनियर ऑर्थोगोनल शो करना है। तो हम टी ऑफ एक्स वन वाई वन एंड टी ऑफ एक्स टू वाई टू, हमने दो वेक्टर ले लिया, एक्स वाई क्योंकि वेक्टर है तो हमने दो वेक्टर ले लिया, एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि इन दोनों का इनर प्रोडक्ट बेसिकली इन दोनों के इनर प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ एक्स वन एक्स वाई वन एंड एक्स टू वाई टू आर टू से बिलोंग करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों का इनर प्रोडक्ट निकालेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों का इनर प्रोडक्ट, तो ये होगा। ठीक है, इसको फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा। ठीक है,
और ये आएगा तो फिर इसको ये करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, ठीक है, ये बन के आया, ठीक है। और ये अगर हम चेक करें तो ये बेसिकली नथिंग बट इन दोनों का इनर प्रोडक्ट है, ठीक है, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट ही है। तो हम कह देंगे क्या है कि ये दोनों क्या है आपस में इनर, ठीक है, यानी कि ऑर्थो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर तुम करोगे तो समझ में आएगा ऑर्थो नॉर्मल ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। अब एक और चीज इसको कहते हैं रोटेशन मैट्रिक्स, और हमारा लास्ट टॉपिक है। तो रोटेशन मैट्रिक्स क्या होता है, रोटेशन मैट्रिक्स ऑफ आर टू बेसिकली ये होता है, ठीक है, रोटेशन ऑफ एंगल थीटा ऑफ द बेसिस। ये तो बेसिस हमारा ये है आर टू का, तो इसको रोटेट करेंगे जब हम एंगल थीटा तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। सेम हमारे पास रोटेशन ऑफ मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। तो अगर मैं आर थ्री बेसिस हमारे पास थ्री आर थ्री बेसिस है, ठीक है, उसको हम रोटेट करेंगे अकॉर्डिंग टू जेड एक्सिस। हमारे पास आर थ्री बेसिस क्या होगा, तो आर थ्री बेसिस हमारे पास होगा 1,0,0, ठीक है, 0,1,0 एंड 0,0,1, ठीक है। तो जब इसको हम जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। ऐसे जब एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट करेंगे तो ये मैट्रिक्स मिलेगा, एंड वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट करेंगे तो ये मैट्रिक्स, ठीक है। जो कि हमारे पास यही तीन चीजें इंफॉर्मेशन है रोटेशन मैट्रिक्स अगर कहीं लिखने के लिए आएगा तो ये चीज हमें ध्यान देनी, ठीक है, तीन मैट्रिक्स। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज अ ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि क्या है टी से टी का वी से वी से ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बी, देन ए सेटिस्फाई ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज इंटू ए इंटू आई, ठीक है, देन ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो इसको कहेंगे क्या है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो यही था हमारा पूरा वीक 8 तक का, ठीक है, और पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ की दिक्कत नहीं है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देख लिया हो, आई होप आपको पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज़ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें तभी जाके होगा, बाकी देखता हूँ, अगर टाइम मिला तो वी विल अपलोड सम PYQs, ओके। तो तब तक के लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, एंड बाय बाय।